लोकसभा की सदस्यता की शपथ के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल आज रायपुर लौटे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने बलौदाबाजार हिंसा के लेकर कहा कि कांग्रेस प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। गौ तस्करी पर कहा कि समुदाय विशेष के लोग गौ तस्करी कर रहे हैं, उम्मीद है साय सरकार कार्रवाई करेगी। महानदी पुल हत्याकांड पर कहा कि ट्रक सवार कूद गए थे, यह खुदकुशी थी या उनकी गलती। ये कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के साथ साथ हाई कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए हैं। घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के ऊपर में हाईकोर्ट संज्ञान लेता है, ये सामान्य बात है। जो आरंग में मॉब लिंचिंग हुआ है उसको लेकर हिंदू संगठनों ने भी मॉब लिंचिंग कहेंगे, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है और कूद कर उनकी मृत्यु हो गई, उसको मॉब लिंचिंग कैसे कहेंगे। सबसे पहले तो जो बहुसंख्यक समाज है उसकी जो भावनाएं हैं ये समझना पड़ेगा, अल्पसंख्यक समाज को कि उनकी भावनाओं को आहत ना करें। और मैं तो प्रेस से भी कहना चाहूँगा जो खुद गड्ढे में कूद कर और मर गए उसको मॉब लिंचिंग का रूप आप लोग क्यों दे रहे हैं। ये लेकिन लगातार जिस तरह से सवाल उठे, राजधानी में बड़ा प्रदर्शन किया, बिलासपुर में भी हुआ है, सरकार वो तस्करों के साथ खड़ी हो गई है और वो रक्षकों के, ऐसा नहीं है। जो सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, उनको सब लोगों के ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। विश्व हिंदू परिषद भी अपनी जगह सही है और मैं तो कहना चाहूँगा कि इसको मॉब लिंचिंग का रूप ना दिया जाए।